Assalamualaikum, welcome to Alfaedi Securities, Pakistan's leading stock brokerage firm. मैं हूं शुजा कुरैशी, मार्केट रैप के साथ. और आज हमने देखा एक दफा फिर PSX और KSE 100 इंडेक्स में प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है. और इंडेक्स 154 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है 48,148 पे. ओके, और लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम देख रहे हैं कि 48,000 का जो लेवल है उसको मार्केट होल्ड कर रही है. आज भी ऑलमोस्ट हमने देखा था कि 48,000 पर इंडेक्स आ गया था. जो आजकल लो है वो 48,000.26 पॉइंट्स है. तो ये एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन नजर आ रही है और इंडेक्स को सपोर्ट मिल रही है 48 के लेवल पे. लेट्स सी, खैर इंटरेस्टिंग हो कल ये सपोर्ट होल्ड करती है कि नहीं करती. बट वॉल्यूम्स आज कुछ कम थे. KSE 100 में 265.1 मिलियन शेयर ट्रेड हुए, जबकि ऑल शेयर इंडेक्स में वॉल्यूम बढ़ा है आज कल के मुकाबले में और 1 बिलियन शेयर्स से ऊपर का काम हो गया है. और उसकी बेसिक वजह यही कि एक दफा फिर वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम एज फार एज वॉल्यूम लीडर्स आर कंसर्न तो उसकी फेहरिस्त पे नंबर 1 आ गया है. आज WTI में एक दफा फिर 399.9 मिलियन शेयर ट्रेड हुए और इसमें कोई 14 पैसा अब बंद हुए 3.64 रुपीज पे. अच्छा, इसकी वजह यह है कि एक नोटिस आया है इनका और इसमें इन्होंने ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन का नोटिस था. ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम हैज एंटर्ड इनटू अ बिजनेस कोलैबोरेशन अग्रीमेंट विद टूफा टेलीकम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड TUFA टारगेटिंग फाइबर टू द होम FTTH ये कहलाता है सर्विस रोल आउट अक्रॉस पाकिस्तान. और WTL's existing subscribers will be upgraded to FTTH, a fiber to the home platform upon initial deployment at a nominal cost. Carrying this business endeavor also aims at providing a major boost to the proliferation of affordable broadband services for all segments of the society. तो ये इनका जो है वो notice था जिसकी वजह से काफी excitement नजर आई, volumes ही बढ़े, price increase हुई थी, लेकिन at the end of the day सिर्फ देखा है कि थोड़ा सा इंक्रीज के साथ बंद हुआ है वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम. अच्छा, उसके बाद बाइको 37 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, हम नेटवर्क 35 मिलियन शेयर्स, दोनों स्टॉक्स नीचे आए हैं. TPLP, अच्छा ये TPLP जो है इसमें एक आई थिंक सवाल भी आया था, एक हमारे जो व्यूअर है उन्होंने पूछा था कि कल इतना ड्रॉप क्यों आ गया था इसकी प्राइस में. तो कल तो देखे ओवरऑल मार्केट कल नीचे ही थी और जो मैंने कल भी बताया था कि 400 पॉइंट जो तेजी के साथ खुली थी उसके बाद वो 400 पॉइंट तकरीबन सारे वाइप आउट हो गए थे तो प्रॉफिट टेकिंग हमको नजर आई थी. प्लस TPLP अगर आपने देखा है पिछले तकरीबन अब आई थिंक 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हो रहे हैं कि बहुत तेजी से बढ़ा है. आई थिंक 26 मई से इनफैक्ट बहुत तेजी से बढ़ा है पिछले 2 हफ्तों में. और आई थिंक इसकी एक मेन रीजन ये है कि जो उनका सेंटर पॉइंट उन्होंने बेचा था तो अब उसकी आई गेस वो एक वन टाइम जो हमको नजर आएगा उसके जो पैसे आएंगे शायद उसके वजह से इसमें जो है तेजी नजर आ रही है. आई थिंक 17 मई को ईद की छुट्टियों के बाद ही कंपनी का नोटिस आया था जिसमें उन्होंने कंफर्म किया था कि सेल कंप्लीट हो गई है सेंटर पॉइंट की जो कराची में इनकी बिल्डिंग थी KPT इंटरचेंज पे. और उसके बाद रैली बनना शुरू हुई है आई थिंक 26 मई से. जो पहला लॉट लगा 1064 पे, द वेरी नेक्स्ट डे सेकेंड लॉक लगा 1164 पे, 1264 पे थर्ड लॉक. तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते अब हमने देखा है कि इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 16 रुपए पर आ गई है. तो अगर कल थोड़ा सा डिप आया था और आज भी इनफैक्ट काफी वोलेटिलिटी थी, एक वन पॉइंट इन टाइम जो आज का लो बना था वो आई थिंक 13.94 रुपीज का था और उसके बाद फिर ये वापस 23 ऊपर चला गया. तो जाहिर है कि इस किस्म की प्राइस मूवमेंट कभी नजर आती है ऐसे स्टॉक्स में जहां पे एक्सपेक्टेड है कि अब जो रिजल्ट आएंगे उसमें ये जो अमाउंट है जिन्होंने बिल्डिंग बेची है वो शो होगी और फिर कोई डिविडेंड उसमें से देते हैं नहीं देते हैं वो देखना पड़ेगा. तो खैर ये अदर इनकम में जाएगा जो ऑफकोर्स रिकरिंग नहीं होगी. रिकरिंग बेसिस पे तो हमने देखा है कि जो उनके रिसेंट रिजल्ट थर्ड क्वार्टर के आए थे कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी लॉस ही था कोई तकरीबन 19 पैसे का 9 मंथ्स का. तो ये TPLP का. फिर एक और क्वेश्चन आया था आज भी PTC 32.2 मिलियन शेयर ट्रेड हुए 26 पैसे नीचे 1238 पे के PTC में एकदम से क्या हो गया. आई थिंक अब ओवरऑल मार्केट हम देख रहे हैं कि
एक ऐसे फेज में है, एक ऐसा सेंटिमेंट बुलिश बन गया है कि स्टॉक्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे होते वो चलना शुरू हो जाते हैं। मैंने पीछे जाके देखा है, सच कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कंपनी ने डिक्लेयर नहीं की है जिससे इसकी स्टॉक प्राइस में इतना जो है वो इजाफा नजर आए। अगेन जो इनके भी फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उसमें थोड़ा हमने इजाफा देखा था, 34 पैसे की अर्निंग्स पर शर आई है, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में आई थिंक 24-25 पैसे की थी। तो अदर देन दैट कम अज कम हमारी नॉलेज में ऐसी कोई खबर नहीं है कि इसमें जो है वो कोई बहुत तेजी नजर आ रही हो। ओके, खैर ये चीजें थी। फिर कैपको में 30 मिलियन शेयर ट्रेड हुए आज, और उसका रीजन आपको बता दें, और इनफैक्ट मैंने बीच में अपडेट भी कर दिया था जब नोटिस आया था कैपको का कि ये जो इनको पेमेंट हुई है लास्ट फ्राइडे को आईपीपीस को, तो कैपको इज एक्सपेक्टेड टू पे आउट डिविडेंड, क्योंकि इनको जो पेमेंट हुई है और जो उनको पे करना है तो उसमें से इनके पास पैसे काफी बच जाएंगे, तो देव यू नो फिर ये इंटरिम कैश डिविडेंड डिक्लेयर करने आई गेस जा रहे हैं, जो कल अब इनकी बोर्ड मीटिंग है सुबह 10 बजे। सो अब इसमें एक्साइटमेंट आना लाजमी था जब भी हैवी वॉल्यूम्स भी हुए हैं 30.6 मिलियन शेयर्स के, और ₹2.69 प्लस बन हुआ है 46.66 पे। सो अब लेट्स सी कि कल जो डिविडेंड आता है, अगर कोई बड़ा डिविडेंड होगा तो आई थिंक वो इस रैली को जस्टिफाई करेगा, कोई 2-3 रुपए का है आई थिंक तो वापस मार्केट आई थिंक प्राइस नीचे भी आ सकती है इसकी। ओके तो ये सूरत हाल। अच्छा, इसके अलावा ऐसा और कोई खास मार्केट में हमने एक्टिविटी नहीं देखी कल की तरह, आज भी टुवर्ड्स द लास्ट 10 मिनट्स और सो सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी माइंग को नजर आई, कल भी ऐसा ही हुआ था, आज उसने सस्टेन नहीं किया था। और ज्यादातर स्टॉक्स ऑफ कोर्स आज चाहे सीमेंट हो स्टील हो, और स्टील में इनफैक्ट हाँ आयशा स्टील में हमने काफी एक्टिविटी देखी है। मैं प्राइस ही बता दूं, प्राइस इंक्रीज भी हुआ है, तो बाकी जहां स्टॉक स्टील के नीचे है वहां पे आयशा स्टील जो था वो उस कहते हैं अंग्रेजी में बकिंग द ट्रेंड कर रहा था, यानी कि जो बाकी सीमेंट स्टील सेक्टर के स्टॉक नीचे आ रहे थे ये ऊपर जा रहा था। तो जहां आगा स्टील 50 पैसे नीचे बंद हुआ है, अमरेली 76 पैसा नीचे बंद हुआ है, आयशा स्टील में 66 पैसा का इंक्रीज है, 27.16 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, 23.6 मिलियन शेयर ट्रेड हुए। सिमिलरली अगर हम देखें इंटरनेशनल स्टील भी नीचे ही बंद हुआ है, कोई तकरीबन 1.65 रुपीज 91.26 पे, वॉल्यूम्स इतने नहीं थे, और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज 3 रुपए नीचे बंद हुआ, इवन मुगल 2 रुपए नीचे बंद हुआ है 1.1335। तो सिवाय आयशा स्टील के तमाम स्टील स्टॉक्स भी नीचे थे। इसके अलावा रिफाइनरीज में आज भी प्रेशर बरकरार रहा, नेशनल रिफाइनरी 9 रुपए नीचे बंद हुआ है 543 करीब, अटक रिफाइनरी तक में 5 रुपए नीचे बंद हुआ है, पाकिस्तान रिफाइनरी भी नीचे बंद हुआ है 49.24 पैसे नीचे बाइको की क्लोजिंग आई है। सो ये बाकी सो नेक्सॉन में आज इंक्रीज नजर आया 4.11 पैसे का 185 पे, जबकि टीआरजी क्लोज डाउन 685-168.61 पे। तो खैर ये ओवरऑल सिचुएशन रही है। अब आई थिंक जो मार्केट 48,000 को होल्ड कर रही है वो प्रॉब्ली वो बजट जो आने वाला है जुमे को उसकी वजह से है, और जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि देखिए कुछ स्टॉक्स हैं जो इवन दो मार्केट ओवरऑल नेगेटिव नजर आती है लेकिन वो मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने दी कैपको, आयशा स्टील, और भी कुछ और भी स्टॉक्स थे जो आई थिंक जिन्होंने पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई है, उसमें नेटसॉल है, शेल है जो 2.46 रुपए ऊपर बंद हुआ है, और इवन सीमेंट स्टॉक्स में इन दी एंड लकी, डीजी एंड मेपल लीफ ये इन्होंने पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई है, बहुत ज्यादा नहीं बट फिर भी पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि मार्केट जो है वो होल्ड कर रही है 48,000 का लेवल। अब देखना यह है कि ये अगले 2 दिन बजट से पहले होल्ड कर पाती है या बीच में कुछ डिप आता है। 47,900 पे भी कहा जा रहा है कि एक स्ट्रांग सपोर्ट है मार्केट में, सो लेट्स सी कि वो प्ले में आती है इन द नेक्स्ट 2 डेज और नॉट। सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ, हैव अ वेरी नाइस इवनिंग, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।